ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे हर दिन एक नए लड़के का औजार लेना होता था और इसे इस काम में बहुत मजा आता था। अब वो इस महान काम को कैसे अंजाम देती है ये हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को सोफे पे लेटा हुआ देखते हैं। तभी कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि वो कुछ काम कर रही है पर उसे उसमें मजा नहीं आता, जिससे वो कपड़े पहनकर बाहर चली जाती है। पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद रात को वो एक बार में जाती है। इस लड़की का नाम लैला है जो यहाँ इस पार्टी में अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने आई है। फिर वो वहाँ कुछ लड़कों के साथ डांस कर रही होती है, तभी उसकी नजर वहाँ खड़े डेविल नाम के एक लड़के पर पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर लैला अपने साथ डांस कर रहे लड़के का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और बाहर जाकर उसे जन्नत की सैर कराती है। तभी हम देखते हैं डेविल अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के साथ आर में बैठा होता है और वो दोनों उनको देख रहे होते हैं। फिर विक्टोरिया डेविल के साथ धपाधप करती है और डेविल लैला को देख रहा होता है और लैला भी उसी को देख रही होती है। फिर लैला अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन लैला जब अपने घर से निकलती है तो रास्ते में उसे डेविल की कार दिखती है, पर डेविल ऊपर से अपने घर से उसे देख रहा होता है। लैला भी जान जाती है कि डेविल उसका पीछा कर रहा है, पर जब डेविल लैला के पास आता है तो लैला भागने लगती है, तो डेविल भी उसके पीछे भाग कर जाता है। भागते भागते वो एक पार्क में पहुंचती है जहाँ डेविल भी उसके पीछे पीछे आता है। फिर लैला एक टनल के अंदर जाकर बैठ जाती है, वहीं दूसरी तरफ डेविल भी जाकर बैठ जाता है। फिर लैला अपने आप को छूने लगती है। दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखकर एंजॉय करते हैं। फिर डेविल वहाँ से चला जाता है और लैला भी अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब लैला पार्क में होती है तो वहाँ डेविल आता है और लैला को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है, जहाँ वो दोनों रेलगाड़ी खचाखच करते हैं, जहाँ लैला खुश हो जाती है। फिर डेविड उसे डेट के लिए पूछता है तो लैला हाँ कर देती है और डेविड को अपना नंबर दे देती है। अगले दिन विक्टोरिया लैला के पास आती है और कहती है डेविड ने जैसे मुझे छोड़ा वैसे ही तुम्हें भी एक दिन छोड़ देगा। फिर लैला डेविड के घर जाती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और धपाधप करते हैं। फिर डेविड लैला को अपने डैड से मिलवाता है, जहाँ लैला डेविड को अपने डैड की केयर करते हुए देख इंप्रेस हो जाती है और कहीं ना कहीं वो डेविड से प्यार करने लगी थी। आगे हम दोनों को कपल की तरह साथ घूमते देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन वो दोनों बार में जाते हैं। लैला ज्यादा पी लेती है और नशे में कुछ लड़कों के साथ डांस करने लगती है, जिससे डेविड मन ही मन जलने लगता है और उसे एहसास होता है कि वो भी उसे प्यार करने लगा है। फिर वो दोनों डेविड के घर जाते हैं जहाँ डेविड लैला से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तुम कभी किसी एक की नहीं हो सकती हो क्या, मुझे नहीं पता मैं क्या सोचता हूँ तुम्हारे बारे में पर मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। फिर लैला भी उससे वादा करती है और वो दोनों खपाखप करते हैं। फिर वो अपने डैड के पास जाता है और उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करता है, जहाँ हम देखते हैं वो उन्हें बहुत चाहता है। पर सुबह जब वो उठता है और अपने डैड के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके डैड खत्म हो चुके हैं, उससे डेविड काफी टूट जाता है। फिर एक दिन लैला डेविड के घर जाती है और वो डेविड को छूने लगती है, जिससे डेविड गुस्सा हो जाता है क्योंकि अभी अभी उसके डैड की मौत हुई होती है, जिससे वो काफी दुखी होता है। पर लैला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि कभी उसने किसी से प्यार किया ही नहीं होता है, जिसे डेविड उसे अपने घर से चले जाने को कहता है और लैला वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं लैला अपनी लाइफ पहले की तरह जीने लगती है और नए लड़कों से मिलती है और उनके साथ खपाखप करती है, पर उसे वो फीलिंग नहीं मिल पाती जो उसे डेविड के साथ आती थी, जिससे वो चुपके से डेविड के घर जाती है पर वहाँ उसे डेविड नहीं मिलता। फिर एक दिन वो एक बार में जाती है जहाँ डेविड को देख वो उसके पास जाती है और उसे अपने साथ डांस करने को बुलाती है और उसे माफी मांगती है, पर डेविड उसकी कोई बात नहीं सुनता, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। फिर लैला को हम एक लड़की के साथ खपाखप करते हुए देखते हैं पर वहाँ वो खुश नहीं होती और वहीं दूसरी तरफ डेविड भी किसी के साथ खुश नहीं हो पाता। एक दिन जब लैला अपने घर से निकलती है तो डेविड उसे देख उसका पीछा करने लगता है। फिर लैला अपने फ्रेंड के मैरिज में चली जाती है जहाँ डेविड उसके पास आता है, पर तभी लैला की फ्रेंड उसे अपने साथ ले जाती है। फिर डेविड लैला को एक बूढ़े आदमी के साथ डांस करता हुआ देखता है तो डेविड उसके पास जाता है, पर लैला वहाँ से चली जाती है। लैला भागते हुए वहाँ से जा रही होती है तो डेविड भी उसके पीछे जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है पर लैला भागने लगती है और भागते भागते अपने घर चली जाती है, तो डेविड भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला जाता है। तभी लैला बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। तब डेविड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जिससे लैला बाहर आती है और दोनों एक दूसरे के साथ लव लपाटा शुरू कर देते हैं। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।